तरह तरह से निवेदन करने लग गई। अंत में यह कहती हैं कि अगर मान लीजिए आप नहीं ही ले जाते हैं तो महाराज ये बताइए कि जिस तरीके से जिय बिन देह नदी बिन वारी, जिय बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस तरीके से महाराज शरीर कितना सुंदर भी हो मगर प्राण ना हो तो बेकार ही होता है, नदी कितनी बड़ी क्यों ना हो मगर नदी में जल ही नहीं, धार ही नहीं तो किसी काम की नहीं, इसी तरह से नारी का जीवन होता है महाराज। ध्यान रखिए प्रभु, अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, अगर आप हमें रखना ही चाहते हैं अयोध्या में तो ये मान करके चलिए कि जब आप लौट करके आएंगे तो जानकी को जिंदा नहीं पाएंगे। जब ऐसी बात जानकी जी ने कहा ना तो महाराज तुरंत राम जी समझ गए कि इसके प्राण नहीं बचेंगे अगर हम छोड़ देंगे तो। तो बोले अच्छा ऐसा करो, ये समय जो है रोने धोने का नहीं है, जाओ तैयारी करो। और तब तक लखनलाल जी सुनते हैं, लखनलाल जी भागते हुए चले जाते हैं। बड़ा सुंदर सा जो है महाराज भाव है, इस संसार में केवल राम ही सत्य है और अगर हम इसे छोड़ करके कितना बड़ा वैभव ही क्यों ना प्राप्त कर लें, वह हमें सुख देने वाला नहीं। इसलिए राम के साथ में बन भी रहना पड़े तो आनंद है, मगर राम के बगैर में महलों में भी रहना पड़े तो है? और आदमी उसी को छोड़ देता है। बस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम जो है राम नाम को छोड़ करके बाकी सब काम करते रहते हैं, है ना? देखिए जैसे लखनलाल जी को पता चला ना, प्राण छोड़ के भागते हुए आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान ने समझाया और समझा करके कहते हैं लखन देखो घर की स्थितियां परिस्थितियां बड़ी बिगड़ी हुई हैं, पिताजी की स्थिति बिल्कुल दयनीय है, भरत नहीं है जो है घर में, शत्रुघ्न नहीं है, ऐसे भी धर्म की मर्यादा यही कहती है कि तुम्हें यहाँ की देख रेख करना पड़ेगी, सबको संभालना पड़ेगा, जब तक भरत आकर के राजगद्दी नहीं संभाल लेता है तब तक तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। जिस राजा के राज्य में जो है प्रजा दुखी होती है ना, वह राजा नरक का अधिकारी बनता है। लखनलाल जी ने कहा कि महाराज मोरे सब एक तुम स्वामी, 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 दीन बंधु सारा धर्म का यही है कि मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी हैं, मुझे स्वर्ग की परवाह नहीं, मुझे नरक की परवाह नहीं है, मगर हाँ आप अगर आपका साथ छूट गया तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। समझ गए राम जी की लखन भी रुकने वाला नहीं है, तो बोले जाओ जो है माँ से जो विदा मांग करके आओ। बड़े प्रसन्न हुए, मगर यहाँ एक तरफ मन में चिंता भी होती है कि हम यहाँ से तो सिग्नल मिल गया मगर कहीं माँ के पास मैं जाऊँ तो माँ का मोह ना मुझे बेड़ियाँ डाल दे कि नहीं कह दे माँ कि राम को वनवास मिला तो राम को जाने दो, तुम क्यों जाओगे हैं? तो कैसे जाते हैं जो है वहाँ से भागते हैं और भागते हुए जा करके मन को मन रघुनंदन जानकी साथा, मन को भगवान के साथ में छोड़ के जाते हैं। लखनलाल जी विचार कर लिया, अगर मान लो माने रोक लिया तो शरीर ही रुकेगा, मन और मन तो परमात्मा के साथ में जाएगा। सुमित्रा जी को जाकर के प्रणाम करते हैं लखनलाल जी और पूछते हैं कि सारी सारी बात बताते हैं
सुमित्रा ने कहा, बोले लखन ये बता तू इधर आया क्यों? मैंने बचपन से तुझे ये बोला था कि तुम्हारे वास्तविक माता पिता राम और जानकी हैं। तुम्हारे पिता राम हैं और जब उनकी विवाह हो गया तो माँ जानकी है, तो फिर तुझे आज्ञा लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? एक बात मैं कहूं लखन, सच पूछो तो राम के बन जाने का कारण तुम ही हो। बोले माते मैं? बोले हाँ राम जो है लक्ष्मण। लखन कहते हैं तो माते तो मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरे कारण भगवान को बन जाना पड़े। बोले हाँ लक्ष्मण, मूल में कारण तुम हो। लक्ष्मण ये बताओ तुम शेषा अवतार हो ना, और इस धरती पर अधर्म बढ़ा हुआ है, उस अधर्म को मिटा, उस अधर्म का भार तुम्हारे ऊपर है, धरती पर भार और धरती का भार तुम्हारे ऊपर, उस भार को मिटाने के लिए ही भगवान बन को जा रहे हैं, तो कारण कौन हुआ है ना?